बरपेटा रोड के बीचों बीच स्थित एक हार्वर्ड्स एच स्पाइसी नामक एक मानव ढाबा में चलाए जा रहे मानव देह व्यापार। बरपेटा रोड पुलिस चक्की के कार्यवाहक पुलिस अधिकारी चंदन गोस्वामी के नेतृत्व में यह खबर प्रकाश में आई, जहां 18 मई को यह खबर की जानकारी मिलते ही बरपेटा रोड पुलिस ने ढाबा में ताला लगा दिया और ढाबे के मैनेजर मनीरुल अवादीन को गिरफ्तार कर जेल में प्रेरित किया। जिसके बाद आज बरपेटा रोड पुलिस के एक दल ने ढाबा में प्रवेश कर 4 विलासी गाड़ी को जब्त किया, जिसमें एक गाड़ी मुजरिमुल हक की पत्नी रजीमा बेगम के नाम पर है तो वही एक गाड़ी मैनेजर मनीरुल अवादीन के नाम पर है और तीसरी चंद्रकांता जायसवाल नामक युवक की है और विलासी गाड़ी मुजरिमुल हक के नाम पर है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि यह देह व्यापार किस वजह से किया जा रहा है। अब देखना यह उल्लेखनीय होगा कि देश के कानून और प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह समाज को बर्बाद कर रही दोषियों को क्या सजा देती है। बरपेटा रोड से सुकांत दास की रिपोर्ट, असम लाइव 365। फॉर्च्यूनर गाड़ी खन तो इतिम्य जब्त कर मुठते आज चार गाड़ी जी ढाबा चौहद आए ढाबा चौहदरपा आरक्ष जब्द कर थाना आनी और जी परवर्ती অনুসন্ধান এই গাড়ীকেইখনৰ লগত কিবা সংগতি আছে নে নাই এই পৰৱৰ্তী অনুসন্ধানত এই কথা ওলাই পৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আৰক্ষী ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। এইখিনিতে এটা কথা যে বৰপেটাৰ মাজবুলি এনেকুৱা কাম চলি আছে এই বিষয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আপুনি ভাবে? এই তদন্তটো অকল মই সাংবাদিক হিচাপে কোৱা নাই, গোটেই ৰাইজে এটা কথা কৈছে, বৰপেটাৰ অনুষ্ঠান জাগাত এনেকুৱা ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্য কৰাটো কোনো ক্ষেত্ৰতে ৰাইজে মানি ল'লে আৰু ইয়াৰ লগত যি মানুহ জড়িত আছে তেওঁলোক যাতে কঠোৰতম শাস্তি দিয়ে তাৰ কাৰণে ৰাইজে ইতিমধ্যে দাবী জনাইছে, আমিও দাবী জনাইছোঁ, সকলো জনসাধাৰণ ৰাইজে দাবী জনাইছে, দল বা পাৰ্টিলৈ কোনো কথা নাই। মুঠতে এনেকুৱা কাম যিয়ে কৰে, যিয়ে সমাজক বিশৃংখলা সৃষ্টি কৰে, যায় সমাজৰ হিতে বিপৰীতে কাম কৰে, তেনেলোকৰ